लॉर्ड रिपन, जिन्हें वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया इन 1880, हालांकि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, लेकिन फिर भी इंडिया के लोग इन्हें बेहद पसंद करते थे, और इसका रीज़न था इनके प्रोग्रेसिव थॉट्स। इन्होंने इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस की, जिसमें इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होकर इंडियन जजेस को यूरोपियन जजेस के इक्वल पावर्स देने की कोशिश की। 1882 में ये एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया जिसमें इन्होंने इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दिया। तभी तो इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने इन फेमस वर्नाकुलर एक्ट ऑफ 1878 को रिपील किया। साथ ही ये एक बंगाल लैंड टीनेंसी बिल लाए, जिसमें इन्होंने पीजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की। इन्हीं का कार्यकाल था जब हंटर कमीशन आया और उसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की, और इन्हीं के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 आया, जिसके कारण फैक्ट्री वर्कर्स की कंडीशंस इम्प्रूव हुई। इसीलिए तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, रिपन वॉज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट बिलवड वायसराय इंडिया हैज एवर नोन।